हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। तो अभी अभी जो एग्जाम कंडक्ट आपका हुआ था, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने आज आपका केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का परीक्षा लिया है। तो सभी स्टूडेंट्स को गुड आफ्टरनून। जो लोग चैनल पे नए आए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को 5 लोग में शेयर कर दीजिए। आपका तुरंत अभी एग्जाम खत्म हुआ है, हम लोग 4-5 टीचर मिलकर तुरंत आपको 5 मिनट में आंसर की प्रोवाइड करा रहे हैं। 110% ऑथेंटिक आंसर की आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो हमें अप्रिसिएट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कल मैंने जो आपको 3 बजे वीडियो प्रोवाइड कराया था इस चैनल पर, वहां से पूरा गेस क्वेश्चन आया हुआ है। 35 out of 35 ऑब्जेक्टिव हमारे गेस क्वेश्चन से आया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। पीछे करके 3-4 वीडियो, कल 4 बजे वीडियो अपलोड हुआ है। फिजिक्स में भी 33 ऑब्जेक्टिव हमारे गेस से था, केमिस्ट्री में तो 35 में 35 हो गया। तो हमें अप्रिसिएट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम लोग इतना मेहनत आप लोग के लिए कर रहे हैं, हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे फेक चैनल जो आपको इधर से उधर प्रोवाइड कराते हैं, हमारा मेन मोटो होता है, सौरभ सर का मेन मोटो होता है, जितना हो सके छात्र हित में यहाँ पे स्टूडेंट्स का हेल्प हो। तो देख सकते हैं, तो यहाँ पे चलिए आपको आंसर की प्रोवाइड कराएं। सेट ए का, जिनका सेट ए होगा वो डायरेक्ट मिलान करेंगे, दूसरे सेट के लिए मैं क्वेश्चन बोल दूंगा, आप लोग वहाँ से मिलान कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नए आए हैं तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपका कितना सवाल 35 में सही हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है रवादार ठोस क्या है। तो ये यहाँ पे रवादार ठोस का एग्जांपल हीरा है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 35 out of 35 कितना, मतलब एक तरह से मैंने कहा था कि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव इससे बाहर नहीं जाएगा। मैंने इंग्लिश मीडियम में भी प्रोवाइड कराया था, हिंदी मीडियम में भी प्रोवाइड कराया था। तो हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो लोग अभी तक 12th का जितना बाकी सब्जेक्ट है उसका गेस लेना चाहते हैं या 10th क्लास का गेस लेना चाहते हैं एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग गेस ले लीजिए। एक एक सब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डलवा देंगे जैसे ही वीडियो एंड होगा। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, ये भी देखिए सारा क्वेश्चन गेस में है, सारा क्वेश्चन आप गेस में आप देख सकते हैं। कल 3 बजे वीडियो आया था, वहाँ से आप लोग मिला लीजिएगा। 35 out of 35 स्टूडेंट्स हमारे गेस से क्वेश्चन आया हुआ है, जो लोग गेस लिए होंगे। चलिए सबका एग्जाम अच्छा गया होगा, बेस्ट ऑफ लक सभी स्टूडेंट्स का। मेरा मेन मोटो कि जितने भी बच्चे नए आ रहे हैं सभी को ऑथेंटिक अपडेट, ऑथेंटिक कंटेंट मिले, इसलिए हम लोग बार बार बोलते हैं आप लोग शेयर कीजिए। क्योंकि देखिए आप लोग फेक चैनल को शेयर करते हैं, यहाँ पे मेन यहाँ पे सौरभ सर का जो ये कोचिंग का चैनल है इसको सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कह रहा है बेरबदार ठोस पदार्थ है, तो ये क्या है, कांच है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबक को प्रदर्शित करता है, तो ये क्रोमियम ऑक्साइड होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है SCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितना है, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे 12 मार्क आए हुए, ये थोड़ा देखिए कंफ्यूजन वाला था। 12 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं पूछा यहाँ पे, इफेक्टिव जेड का वैल्यू पूछा, इफेक्टिव नंबर पूछा हुआ है। तो देखिए क्या होता है, कॉर्नर पर आपका 12 होता है तो 12 × 1/6 हो जाएगा आपका, कितना 2 हो गया आपका, 3 मिडिल में होता है और 2 आपका जो होता है वो फेस पे रहता है दोनों तरफ, तो कितना हो जाएगा 1/2 × 2, तो इधर 1 हो गया तो 3 × 1 = 4 × 2 = 6, तो 6 इसका इफेक्टिव नंबर होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट ऑस्मोटिक प्रेशर, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 5 नंबर का। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि यहाँ पे वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बाई ऑस्मोसिस सेमी प्रीमियल मेम्ब्रेन अलाउज टू पास, तो इसका क्या पास करता है ये जो SPM मेम्ब्रेन होता है, तो ये सॉल्यूशन में पढ़े होंगे। 7 का आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्यक गुण है, तो 8 का आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए पराश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आदर्श विलयन का निम्न में से कौन गुण है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा कि यह रॉल्ट लॉ का नियम को पालन करता है, तो 9 का करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन गैल्वेनिक सेल एनोड इज, तो एनोड क्या होता है गैल्वेनिक सेल में, तो ये आपको पता होगा निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिलेशन विथ एसिड, तो यहाँ पे 11 का आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी कॉपर।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है, तो 12 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ ले। प्रथम कोटि का अभिक्रिया में टी हाफ का वैल्यू पूछा हुआ है, ये मैंने आपको केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बल गतिकी में पढ़ाया था, तो 13 का करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है अभिक्रिया N2+3H2=, ये किसका साइन है, ये रिवर्सिबल का साइन है कि इरिवर्सिबल रिएक्शन का साइन है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। 2NH3+ यहाँ पे देखिए कैलोरी है, तो इसका क्या है आंसर होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो 14 का आपका करेक्ट हो जाएगा घट जाता है, क्या होता है इसका जो भी होता है ये घट जाता है, अमोनिया NH3 का उत्पादन बढ़ जाता है, तो ये नहीं, अमोनिया NH3 का उत्पादन घट जाता है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट डाटा बेस क्वेश्चन आए हुए हैं जो मैंने आपको गेस कराया था। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है किसी भी पदार्थ के क्रिया करने का निर्भर करता है, तो 15 का देखिए ये जनरली कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, और कंसंट्रेशन होता है मोल बाई सॉल्यूट, और मोल किस पे डिपेंड करता है आपका, तो मोल आपका मोलिकुलर वेट पे डिपेंड करता है, तो इसका मोलिकुलर वेट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है, तो 16 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, चीनी के घोल में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है, तो ये कैसा है, तो 17 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुत्क्रमणीय है, इरिवर्सिबल है, इंग्लिश मीडियम वाले देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक, देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें अभिक्रिया वेग कम हो जाता है, अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है, या अभिक्रिया वेग को बढ़ाता एवं घटाता है, तो ये दोनों करता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मिनरल फ्रॉम विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड, तो बहुत सिंपल 10th क्लास का क्वेश्चन है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा और। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है वात्या भट्टी में निम्नलिखित में किस ऑक्साइड का अपचयन होता है, तो ये आयरन पेराइट का होता है, आयरन का ऑक्साइड, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है, तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। 21 का डी करेक्ट हो जाएगा बॉक्साइट, बॉक्साइट किसका है कमेंट कीजिएगा, एल्युमिनियम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 22 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, 22 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी अयस्क खनिज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व है, तो कौन है, तो 23 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन है सल्फर। मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में बताया कि 16 का याद करने का क्या होता है, ये पी ब्लॉक ना होता है, पी ब्लॉक नॉन मेटल ना होता है, ऊपर से नीचे जाने में साइज बढ़ता है या घटता है, तो बढ़ता है, और ओ सनम सिगार टिपो, तो यहाँ पे सिगार ए सल्फर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स 24 उजला और पीला फॉस्फोरस है, तो ये क्या होता है, ये आपका अपरूप होता है, एलोट्रॉप होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 24 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में ओलियम का सूत्र पूछा हुआ है H2H2O7 होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हैलोजन प्रबलम ऑक्सीकारक है, मतलब कौन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये सभी स्टूडेंट जानते हैं, 9th क्लास का क्वेश्चन है, 26 का सी करेक्ट हो जाएगा फ्लोरीन। बहुत सिंपल क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, मैंने आपको बताया था कि इस बार भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग सिंपल ही आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है निम्नलिखित में किसकी आकृति टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में पाया जाता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में फाउंड होता है, तो 27 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 28 में सीधा पूछ लिया, यहाँ पे ऑक्सीकारक संख्या पूछा हुआ है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया, 8th क्लास में आप लोग पढ़ते हैं बताइए, तो इसका ए मतलब 0 हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि किन किन छात्रों का 30+ ऑब्जेक्टिव सही हुआ है, जो लोग हमारा गेस लिए होंगे उनका 35 out of 35 सही हुआ होगा, क्योंकि 400 क्वेश्चन था, आप आराम से कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है अल्केनल का सामान्य सूत्र पूछ लिया, CnH2nO होता है, इसका कितना होता है CnH2nO होता है, तो 29 नंबर का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्केन का CnH2n होता है, उसी में वो जोड़ दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है स्टूडेंट्स निम्नलिखित में से कौन सा अल्डोल कंडेंसेशन में भाग लेता है, तो इसमें से कौन लेता है, जल्दी आप तो कमेंट कीजिए, सभी लोग जानते हैं यहाँ पे CH3CHO हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है स्टूडेंट सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो 31 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 निम्न में से कौन सा मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र है, डायरेक्ट फार्मूला पूछा हुआ है, 32 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए।
ऑप्शन है इसका, करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। आप लोग कमेंट करके बताइए कितना आपका सही हो रहा है। जो लोग अभी तक टेंथ का गेस नहीं लिए हैं, ट्वेल्थ का अभी तक गेस नहीं लिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लोग गेस ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबलतम भस्म है? तो यहाँ पे देखिए 3 डिग्री अमीन यहाँ पे आपका डी में है, तो ये सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि गैस फेज में दिया है कि सॉल्यूशन फेज में दिया है। गैस फेज में आपका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होता है, सॉल्यूशन फेज में 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है। तो यहाँ पे कोई मेंशन नहीं, तो अंडरस्टूड है कि 3 डिग्री होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स 34 अल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक है, 34 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए ओ एच, फंक्शनल ग्रुप पूछा था, डायरेक्ट था। एनिलीन में पाई बॉन्ड का संख्या पूछा हुआ है, 35 का करेक्ट हो जाएगा डी, 3 होता है। 36 में आपका डायरेक्ट क्रोमियम का उप संयोजक पूछा हुआ है, तो 36 का करेक्ट आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 में बेंजीन का अनुसूत्र पूछा हुआ है, ये 6th क्लास का क्वेश्चन है, C6H6 डायरेक्ट डाटाबेस क्वेश्चन है, साइंस में पढ़ाया जाता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 37 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 38 का है, निम्नलिखित में फिनॉल को पहचाने, तो डायरेक्ट सिंपल सवाल है ये, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में बोल रहा है फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन इज, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सभी लोग जान रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कीटोन ऑन रिएक्शन विथ लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड वाटर के प्रेजेंस में क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको सेकेंडरी अल्कोहल बनाता है, 2 डिग्री अल्कोहल बनाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें डायरेक्ट इसको क्या कहा जाता है, CuNH2 को अमीडो ग्रुप कहा जाता है, ये करेक्ट हो जाएगा 41 नंबर का। लास्ट क्वेश्चन है CuH ग्रुप के अलावा अमीनो अम्ल में पाया जाता है, NH2 सही हो जाएगा यहाँ, अमीन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जितना हो सके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। कल के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट गेस प्रोवाइड करा दिया जाएगा 5 बजे, जितना हो सके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।